सचिन तेंदुलकर और उनके बचपन के दोस्त रहे विनोद कांबली के बीच रिश्ते पहले से काफी सुधर गए हैं। बता दें कि इन दोनों के बीच खटास की शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जब एक टीवी रियलिटी शो में कांबली ने कहा था कि उनके साथ टीम इंडिया में भेदभाव हुआ था। कांबली ने आरोप लगाते हुए कहा था कि जब वो बुरे दौर से गुजर रहे थे तो सचिन ने उनकी मदद नहीं की, लेकिन अब दोनों की दोस्ती अच्छी हो गई है। हाल ही में ऐसा कुछ हुआ कि दोनों की दोस्ती को लेकर एक बार फिर खबरें आने लगी है। मुंबई टी20 लीग का फाइनल खेला गया। इसकी अवार्ड सेरेमनी के दौरान सचिन और कांबली के बीच की दोस्ती और उनके बीच का प्यार फिर से दिखाई दिया। फाइनल मैच में विनोद कांबली की टीम शिवाजी पार्क लायंस को मुंबई नॉर्थ ईस्ट ने 3 रन से हरा दिया। मैच के बाद हुई सेरेमनी में सुनील गावस्कर प्लेयर्स और टीम मेंबर्स को मेडल दे रहे थे। इसी दौरान जब रनर अप टीम के मेंबर के रूप में विनोद कांबली मेडल लेने पहुंचे, तो गावस्कर ने खुद उन्हें मेडल पहनाने की बजाय सचिन को पकड़ा दिया और कहा कि आप ही अपने दोस्त को ये मेडल दें। इससे पहले कि सचिन मेडल पहनाते, कांबली ने झुककर उनके पैर छूने की कोशिश की। अचानक हुई इस घटना से सचिन भी हैरान रह गए, हालांकि उन्होंने तुरंत ही कांबली को ऊपर उठाते हुए उन्हें गले लगा लिया और इसके बाद दोनों ने काफी देर एक दूसरे को गले लगाए रखा। विनोद कांबली ने हाल ही में अपनी क्रिकेट एकेडमी शुरू की है, जिसकी लॉन्चिंग के मौके पर उन्होंने बताया था कि ये काम उन्होंने अपने दोस्त सचिन तेंदुलकर के कहने पर ही शुरू किया है। कांबली के मुताबिक, सचिन को पता है कि मुझे क्रिकेट से कितना प्यार है, इसलिए उन्होंने मुझसे कोचिंग शुरू करते हुए एक बार फिर क्रिकेट फील्ड पर लौटने के लिए कहा।